नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे उत्तराखंड। बीएल संतोष आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। अचानक बुलाई गई प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक। उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्र में टीका लगाने के लिए तैयार, केंद्र पर नहीं पहुंच रहे लोग। बीते 6 महीने से टीकाकरण जारी, ग्रामीणों में टीके को लेकर डर। उत्तराखंड ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आज मिलेगी 10,000 इंफोटेक रिसेन बी इंजेक्शन। देहरादून मेडिकल कॉलेज को इंजेक्शन की डिलीवरी की लत थी। बाबा रामदेव और आईएमए के माध्यम चल रहे विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस की राजनीति सामने आई, प्रदेश भाजपा हुई असहज। उत्तराखंड में याद का असर नहीं, फिर भी पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार। शुक्रवार से बादल छाने की संभावना। उत्तराखंड के गांवों में कुल 1,07,027 प्रवासियों की वापसी। पौड़ी और अल्मोड़ा के गांवों में लौटे प्रवासी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे उत्तराखंड। बीएल संतोष आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे। बीएल संतोष आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। अचानक बुलाई गई प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी होंगे साथ। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड पहुंचे। अचानक प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री पहुंचे उत्तराखंड। उत्तराखंड दौरे पर, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं बीएल संतोष। अचानक बुलाएगी प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक, इसमें अन्य निर्देश जारी हो सकते हैं। वहीं कई बातों पर चर्चा हो सकती है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। अशोक से जाना चाहेंगे, अशोक क्या पूरी जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल सोनाली, आपको बताना चाहूंगा कि आज भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में और आज जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष है उनकी अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, जिसमें की प्रदेश महामंत्रियों के साथ भी बैठक होनी है। और इस बैठक कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने से पहले 7 मोर्चों के साथ वर्चुअल बैठक की जाएगी। और हाल ही में जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी 7 मोर्चों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। और कोरोना काल में किस तरह से व्यवस्थाएं तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा दी जा रही है और जो मुहिम चलाई जा रही है उस पर किस तरह से काम हो रहा है, उसको लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा की जा रही है। वही आज ये सबसे पहले ये बैठक होगी, तमाम 7 मोर्चों के साथ पहले बैठक होगी। उसके बाद 2 बजे से प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक होगी, जिस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम एवं सह प्रभारी रेखा वर्मा जी इस बैठक में मौजूद होंगे। और शाम को कोर ग्रुप की जब बैठक होगी तो उसमें तमाम जो सांसद है और प्रदेश महामंत्री और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उस बैठक में मौजूद होंगे। जी अशोक, जिस तरीके से ये बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी अशोक, आपका आवाज पहुंच रही है हमारी? जी अशोक, अशोक इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बैठक बुलाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और बीएल संतोष आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। वहीं अचानक बैठक बुलाई गई, जहां प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की एक बैठक है। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद हैं होंगे। बड़ी खबर, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां देहरादून विधानसभा में महेश जीना ने ली शपथ। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दिलाई शपथ। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रहे मौजूद।
वहीं शपथ के दौरान कई कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, देहरादून विधानसभा में महेश जीना ने ली शपथ, वहीं कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ शपथ समारोह में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, देहरादून विधानसभा में महेश जीना ने शपथ ली। इस दौरान सीएम भी मौजूद रहे, सीएम तीरथ सिंह रावत मौजूद रहे। साथ ही साथ कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये शपथ समारोह की तस्वीरें हैं जहां कई अधिकारी मौजूद हैं और महेश जीना ने शपथ ली है। और साथ ही साथ देहरादून के सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां शपथ के दौरान कई कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। पर्यटन नगरी मसूरी का पर्यटन व्यवसाय कोरोना से पूरी तरह चौपट हो गया है। मसूरी के अधिकांश होटल पूरी तरह से बंद पड़े हैं। मई जून में पर्यटकों से गुलजार रहने वाली माल रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने सरकार से टैक्स में रियायत देने की भी बात की है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मसूरी पूरी तरह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है शहर की, पर्यटन बेसिकली खाली मसूरी की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा पर्यटन से जुड़ा हुआ है। आपने मेरे से क्योंकि मसूरी स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो मैं इसका जवाब दूंगा कि पिछले साल भी हमारा गर्मियों का सीज़न चौपट हो गया था बिल्कुल, और इस बार भी सेम सिचुएशन। ऊपर वाले की पता नहीं क्या मर्जी है कि जो गर्मी का सीज़न, जिससे लगभग ये जो अप्रैल मई जून का सीज़न होता है, इसमें हमारा पूरे साल भर का जो व्यवसाय होता है, जो इनकम होती है, लगभग 60-70% इस 2-3 महीने में होता है। तो पिछले साल भी ये बिल्कुल शून्य हो गया था, इस साल भी बिल्कुल जीरो हो गया है। कोविड महामारी में से पूरा देश ही पीड़ित है, परेशान है, लेकिन स्पेशली खास तौर पे मसूरी के लोग, पहाड़ के लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पूरी टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री है हमारी। पूरा रोजगार जो था वो एक पर्यटक पे निर्भर करता था, लेकिन अब कोई भी पर्यटक आ जा नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो लोकल लोग हैं उनके पास अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से आर्थिक स्थिति उनकी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। ता है कि उन छोटे व्यापारियों को, होटेलियर्स को, एक गरीब तबके को, या फिर जिन्होंने अपने परिवार के कुछ लोगों को खो दिया, ऐसे लोगों की सरकार के लिए एक अहम भूमिका बनती है कि वो उनका योगदान करें। खबर हरिद्वार से है, जहाँ कोरोना के कहर से क्षेत्र में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं इस दौरान सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी लोगों की मदद के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन ये संस्थाएं जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवा रही हैं। साथ ही साथ एक अभियान कश्यप समाज दल द्वारा हरिद्वार के ऋषि पुल के पास चलाया जा रहा है, जहां पिछले 6 दिनों से लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने संस्था के इस अभियान में पहुँच कर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया। दल का आज ये 6ठा दिन है, ये लोगों की जो समाज सेवा कर रहे हैं इस तरीके से। आज हमारा पूरा देश, हमारा स्टेट इस संकट से गुजर रहा है, महामारी है, जहाँ पर आज कुछ लोग जो हैं खाने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास जो कि डेली अपना अर्निंग करते थे, आज उनके पास जो है दुकानें बंद हैं, कुछ लोगों के पास आमदनी नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये लोग खाना खिला रहे हैं, तो ये बेहद सराहनीय कार्य है। और इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए आई हूँ कि ये लोग स्वस्थ रहकर और बेहतरीन तरीके से ये लोग की जो आम जनता की सेवा कर रहे हैं उस कार्य को करने में सफल रहे। लक्सर के सुल्तानपुर से किसान की ट्रॉली चोरी करने के मामले का पुलिस ने बुधवार को खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। पुलिस ने नकदी के साथ ट्रॉली का अधूरा बरामद कर लिया है। साथ ही साथ
बाकी सामान जो बेचे जा रहे थे उसको भी बरामद किया है। कोरोना काल में योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। बाबा रामदेव लगातार एलोपैथी दवाई की आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव आमने सामने हैं। आईएमए ने रामदेव के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा था। हालांकि बाद में रामदेव ने माफी तो मांगी, लेकिन 25 और सवाल आईएमए से पूछ डाले। देखिए खास रिपोर्ट। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, इतनी भी दवाएं दे रहे हैं कि लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। योग गुरु बाबा रामदेव अपने बयानों को लेकर देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस तक बता डाला। रामदेव के अनुसार कोरोना काल में रेमडेसिविर, क्लोरोक्वीन, प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबायोटिक भी फेल हो गई। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेराइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमार्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। बाबा रामदेव का दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी मर गए और डॉक्टर्स का मजाक बनाते हुए देखे गए। मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। साथ साथ कोरोना वैक्सीन पर भी रामदेव ने सवाल खड़े किए। रामदेव के वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में खूब बवाल मचा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी आलोचना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हस्तक्षेप करते हुए बाबा रामदेव से माफी मांगने को कहा, तो बाबा रामदेव ने अपने बयान पर माफी मांगी। लेकिन मामला यहां शांत नहीं हुआ। पतंजलि योग पीठ ने एक पत्र जारी करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से 25 सवाल पूछ डाले। इन सवालों के बाद एक बार फिर मामला गर्मा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए ने भी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। उत्तराखंड आईएमए के 2000 डॉक्टर्स ने 2000 करोड़ का मानहानि का नोटिस रामदेव को भेज दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि रामदेव आयुर्वेदा और एलोपैथी में तकरार पैदा करना चाहते हैं। देहरादून आईएमए के प्रेसिडेंट अमित सिंह ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए उन्हें लाला रामदेव तक कह डाला। सब दो तीन चीज क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर रामदेव आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक में तकरार पैदा करना चाहते हैं,
तो मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के बीच की तकरार नहीं है। किसी ने भी बाबा रामदेव को आयुर्वेदिक उपचार की वो झंडा नहीं दिया हुआ है कि आप इसके सर्वे सर्वा हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद एक बहुत पुरानी साइंस है, एलोपैथिक से भी शायद पुरानी साइंस होगी। बस उसमें प्रॉब्लम यह है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं, उतना एडवांसमेंट नहीं हुआ। आयुर्वेद के हम खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। आईएमए का जो परेशानी है, आईएमए को जिनके व्यक्तित्व से वो पहुंचा है, दुख पहुंचा है, वो रामदेव की वजह से पहुंचा है। हमें रामदेव को भी बाबा भी नहीं कहना चाहिए, हमें तो उसको लाला कहना चाहिए, क्योंकि ये बाबा कैसे हो सकता है? ये योग है, योगी है, लेकिन ये दुकान चलाता है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों के बाद मामला राजनीतिक भी हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने तंज कसते हुए कहा कि बाबा रामदेव और विवादों का चोली दामन का साथ है। बाबा रामदेव लाखों डॉक्टर्स और नर्सों का अपमान कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस पूरे विवाद पर नपा तुला बयान दिया है। रामदेव का और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। इससे पहले भी वो कई मर्तबा यू टर्न ले चुके हैं, अपने बयानों के लिए माफी मांग चुके हैं, विवादों से अक्सर घिरे रहते हैं और बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए लाला रामदेव और बालकिशन जाने जाते हैं। अब ये जो नया मामला सामने आया है, इसको मैं गंभीर रूप में देखती हूं, क्योंकि एलोपैथी जो एक तरह की चिकित्सा पद्धति है उसको बकवास करार लाला रामदेव ने दिया है और उन तमाम डॉक्टर्स का, नर्सेस का अपमान किया है जिन्होंने इतने सारे मरीजों को ठीक कर दिया। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में एलोपैथी के डॉक्टर्स और नर्सेस और एलोपैथी की दवाओं ने एक संकट मोचक का काम किया है। लगभग 1300 डॉक्टर्स इसमें शहीद हो गए, लोगों को बचाते बचाते खुद कोरोना संक्रमित हो गए और काल का ग्रास बन गए। लेकिन लाला रामदेव जिस तरह से एक बड़े साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए जाने जाते हैं, अब एक व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि हर क्षेत्र में वो कूद चुके हैं। ऐसे में मुझे लगता नहीं कि अब उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता है। देखिए, रामदेव जी ने भी देश के लिए योग और आयुर्वेद को लेकर बहुत काम किए और सभी लोग अब अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने तरीके से देश की सेवा करें। मैंने कहा ना, आप अपने क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं सब अपने पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि इसी ताकत के साथ लग के कोरोना हारे। 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स इस कोरोना महामारी के दौरान इलाज करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसी स्थिति में योग गुरु बाबा रामदेव का डॉक्टर्स का मजाक उड़ाना कितना वाजिब है। देहरादून से नवाब चौधरी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हासिल होंगे। के न्यूज खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैदानी इलाके हो या फिर पहाड़, भ्रष्टाचार हर जगह हावी है। सरकारी विभागों में ठेकेदार गहरे तक पैठ बना चुके हैं और कमीशन के बल पर विकास कार्यों के निर्माण में अनियमितता बरत कर न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर अपनी जेबें भर रहे हैं, वहीं घटिया निर्माण से हादसों को भी दावत दी जा रही है। ऐसा ही मामला देखने को मिला उत्तरकाशी में, जहां सालों के इंतजार के बाद सड़क तो बनी लेकिन इतनी घटिया कि बनने के कुछ ही समय में सड़क धंसने लगी और दरारें पड़ गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के हिस्से में फिर से जर्जर और टूटी फूटी सड़क हाथ लगी। स्थानीय ग्रामीणों में इस घटिया निर्माण तो है ही, साथ ही साथ किसी भी दुर्घटना के होने का भी अंदेशा लगाया जा सकता है।
क्या कोई क्या कुछ मामला है आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बेलवाल बताते हैं कि सड़क पर मिट्टी डालकर निर्माण कर दिया गया जिससे सड़क में दरारें पड़ गई। इन लोगों ने क्या किया कि जब हमारी सड़क कटी तो जितनी मतलब इन्होंने लापरवाही, घोर लापरवाही, हम तो ये कहेंगे कि लापरवाही है, ठेकेदार विभागीय जो अधिकारी हैं इनकी सबकी एक मिली भगत और हम लोगों को गुमराह किया गया कि ये नए तकनीकी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि केमिकल के साथ रोड बना रहे हैं। सर एक बरसात में, एक बारिश में इनकी रोड जो है बयां कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह बाहर की कोई दीवार नहीं है, अंदर नाली नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब लोगों को गुमराह करने के अलावा जो है हमारे साथ मतलब हम लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई ये रोड मिली है, आफत हमारे लिए आई है। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें जो है सख्त कार्यवाही, मैं तो जिलाधिकारी महोदय से भी जो है निवेदन करूंगा कि आके एक बार वो विजिट करें। ये लोग पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग के 10 दिन बाद ही मतलब इतनी मोटी मोटी दरारें जो है साफ देखी जा रही है। मतलब न तो पेंटिंग की गुणवत्ता सही है और जिस केमिकल के नाम पे ये लोग हमको मतलब एक तरह से बरगलाने का काम कर रहे थे कि भाई हम बहुत अच्छी रोड बना रहे हैं, तो ये रोड हमारी मेरी देखने से बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। अधिकतर स्थानों पर इन्होंने वो दीवार देने के स्थान पर इसको मिट्टी को फैला करके और उसकी मिट्टी को फैला कर ही सड़क का विस्तारीकरण कर रहे हैं। जहाँ पर बैठने का और नीचे गिरने और दरारें पड़ने का संबंध है वो उसी से संबंध है। इन्होंने कच्ची मिट्टी पर और कहीं कहीं पर बीच में भी आप देख सकते हैं कि कच्ची मिट्टी पर ही उन्होंने पेंटिंग कर दी और जो पेंटिंग क्या करे वो उसमें सड़क में दरारें पड़ गई हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया कि गांव की जितनी छानियां थी, हमारे यहाँ लगभग 5-6 छानियां थी, मकान थे, कहा कि हम पूरी दीवार देंगे, लेकिन इन्होंने कहीं पर दीवार नहीं दी है जिससे कि लोगों को रात दिन खतरा बना हुआ है कि उनकी छानियां कब गिरती हैं, मकान घर जिस प्रकार से ये रहता है। सड़क है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बन रही है, आज तक कोई सड़क नहीं बनी और पहली बार इस पर काम चला, अगर इसमें गुणवत्ता नहीं होगी तो आगे इस काम कराने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। घटिया गुणवत्ता से हो रहे कार्य की एक दो दिन की बारिश ने विभाग व ठेकेदार की पोल खोल कर रख दी है। सड़क जगह जगह से धस चुकी है और इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदार द्वारा बांझ के कई पेड़ों को भी गिरा दिया गया है जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। ये तीन गांव के लिए लाइफलाइन माने जाने वाली इस मोटर मार्ग पर निम्न गुणवत्ता के कार्य व डामरीकरण से तीनों जगह के ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हो रही है। सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे दुर्घटना की भारी संभावना बनी है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि गांव के समीप सुरक्षा दीवार न बनने के कारण भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीण गोविंद सिंह नेगी और नत्थी सिंह नेगी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा दीवारें तक नहीं बनवाई गई हैं, सड़क पर दरारें पड़ गई हैं और भूस्खलन हो रहा है। जो सही और ठेकेदार की उससे जो है कहीं भी जो है कहीं दीवारें नहीं लगी है, पूरा भूस्खलन हो गया है। देखो सारा जो है पीछे जो है सारा टूट गया है और जो कच्ची मिट्टी के ऊपर जो है पेंटिंग करी हुई है और सारा जो है जितने भी इधर पूरे हुए हैं सब टूट गए हैं सारे। मतलब बांस के पेड़ सब नीचे आ गए, बांस के पेड़ों ऊपर सब नीचे आ गए, कहीं ना ऊपर लगी दीवारें नीचे लगी, सारी रोड जो है क्षति हो गई। परसों दो दिन की बारिश से जो है पूरी रोड जो है क्षति हो गई है, कहीं क्या फायदा हमारे इस रोड का। रोड जो है बिल्कुल हमारी उसमें कच्चे में आ रखी है और कच्चे के ऊपर जो है इन्होंने जो है पेंटिंग कर दी, कहीं दीवारें नहीं पड़ रखी है। हमारे बांध के पेड़ जो है सारे नीचे आ गए हैं, खेतों की जो है सारे जो है हमारे झरने लग गए हैं, कहीं ये जो है दीवारें नहीं दे रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी बड़कोट को पत्र लिखकर कार्य की शीघ्र जांच करने की मांग की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन इतनी घोर लापरवाही पर ठेकेदार व विभाग पे नकेल कस पाएंगे या नहीं। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। खबर उत्तरकाशी से है, जहां केदारघाट में मृत्यु के बाद शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन आजकल कोरोना संक्रमण के कारण जिन लोगों की अस्पताल में मृत्यु हो रही है उनका अंतिम संस्कार केदारघाट में किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात, केदारघाट में शवों को अजला छोड़ा जा रहा है जिससे अजले शवों को नगर के आवारा कुत्ते खा रहे हैं।
जो कि आने वाले समय के लिए ये आवारा कुत्ते उत्तरकाशी नगर में खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कुत्ते मृत मानव शरीर का मांस खा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केदार घाट पे अधजले शवों को छोड़ने के से गंगा भागीरथी प्रदूषित हो रही है, इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि शवों को अच्छे से जलाया जाए ताकि मानव का कोई अवशेष अंग घाट पर न रहे। केदार घाट के पास में हूँ, जो ये यहाँ पे झूला पुल है, जो मुर्दा घाट भी है यहाँ पे उत्तरकाशी का। लेकिन मैं यहाँ पे कल पेंटिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग शवों को जला तो रहे हैं लेकिन शवों को आधा छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पे जिला प्रशासन और हमारी नगर पालिका को ध्यान देना होगा, क्योंकि हम एक तरफ से गंगा सफाई की बात करते हैं तो ये सफाई यहाँ पे दिख ही रही है कि मुर्दा कैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ, कुत्ते और कौवे कैसे नोच नोच के उस लाश को खा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है खुद ही अल्फाज़ों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमा।